दोस्तों इस दुनिया में बहुत से शिकारी पक्षी मौजूद हैं जिसका शिकार सांप होते हैं और उनमें से एक है ये सफ़ेद पेट वाला ईगल जो पानी की सतह से जहरीले सांपों को पकड़ने में माहिर है। और लंबी टांगों वाला ये शिकारी पक्षी जो अपने खतरनाक डांस से अपने दुश्मन को कुचल देता है। यहाँ तक कि कैलिफोर्निया की एक कोयल भी जिसने एक खतरनाक वाइपर को अपने काबू में करने की घातक रणनीति में महारत हासिल की है। लेकिन इसके अलावा इन सभी मामलों में एक ऐसा शिकार आहार का आधार नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो खासकर सांपों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, भले ही वो दुनिया के सबसे जहरीले ही सांप क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शिकारी पक्षियों से मिलाने वाला हूँ जो सीधे आसमान से इन सांपों पर टूट पड़ते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस दुनिया में ईगल्स की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें से ज़्यादातर अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन जो आम सर्प ईगल होते हैं वो रूस के साथ साथ यूरोप और एशिया में भी पाए जाते हैं। ये शिकार करने वाले बड़े पक्षी हैं जिन्हें चील भी कहा जाता है, जो पूरी तरह से सही नहीं है। सांप खाने वाले इन पक्षियों का शरीर सांपों का शिकार करने के लिए प्राकृतिक रूप से अनुकूलित होता है। अगर बात करें इनके हथियार की तो इनके पास तेज नज़र, तीखी चोंच और घातक पंजों वाले शक्तिशाली पैर हैं। लगभग 2 मीटर के विशाल आकार और लंबे पंखों के साथ छोटे पंजे वाले इस बास का वजन मुश्किल से 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच होता है। लेकिन कम वजन और पंखों की विशेष काबिलियत के कारण ये शिकारी हवा में ऊंची उड़ान भर सकता है। लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर यह एक बड़े क्षेत्र को आसानी से स्कैन कर सकता है और अपने शिकार का पता लगा सकता है। और जैसे ही इसे अपना शिकार दिख जाता है तो ये धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ शिकार के पास पहुंचता है। इस समय इसे ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सांप आखिरी हवा से आने वाले हमले को भी भाप लेते हैं। ये यूरोपियन स्नेक बहुत बड़ा तो होता है, लेकिन जहरीला नहीं होता। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक होती है और उसके पास छलावरण की शक्ति भी होती है। लेकिन इसके बावजूद ये शिकारी अपनी तेज नज़रों से इसका पता लगा लेते हैं और अपने शक्तिशाली पंजों से इस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद ये अपनी चोंच से उसे काटना शुरू करते हैं। लेकिन इस शिकारी के चंगुल में फंसने के बाद भी ये सांप कुछ ऐसी कोशिशें करता है जो इस शिकारी को चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये शिकारी बहुत ही ताकतवर है और ऐसा करके ये अपनी मौत को कुछ देर के लिए ही टाल सकता है। इस खतरनाक शिकारी को सांप के सभी कमज़ोर हिस्सों का पता होता है, जिसके बाद ये तुरंत उस कमज़ोर हिस्सों पर हमला कर देता है और किसी भी चीज़ की परवाह न करते हुए ये उसे बड़े आराम से निगलना शुरू करता है। बेशक इस बास को इस सांप को निगलने के लिए लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि एक लंबे सांप को निगलने के लिए बड़े धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर ये चाहे तो ये बड़ी आसानी से इसे टुकड़ों में बाँट कर इस लंबे समय की प्रक्रिया को जल्दी खत्म कर सकता है, लेकिन ये ऐसा तभी करते हैं जब इन्हें सिर्फ अपना पेट भरना होता है और इसे देखकर लगता है कि इसे अपने पूरे परिवार का पेट भरना है। अगर यूरोपियन ईगल की बात करें तो उसके आहार में सबसे बड़ा मुख्य भोजन ये सांप ही होते हैं, लेकिन अफ्रीका में ये सारी चीज़ें बहुत अलग हैं, क्योंकि अफ्रीका के ये ईगल अक्सर कोबरा पर भी हमला कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक हैं और ये कोबरा बिजली की तेज़ी से हमला कर सकते हैं, इसलिए एक पक्षी के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो इससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसके जहर का थोड़ा सा हिस्सा भी उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन इन सबसे अलग सांप पर हमला करने वाले इस पक्षी की क्षमता को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ये अचानक हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सीधे सांप के सिर को निशाना बनाते हैं। लेकिन इस शिकारी को देखकर लगता है कि अभी भी इसके पास तजुर्बे की कमी है। ये शिकारी पक्षी हर तरफ से अपने प्रतिद्वंदी की जांच कर रहा है और उसके कमज़ोर हिस्से को ढूंढ रहा है, लेकिन हर हमले का जवाब देने के लिए ये कोबरा पूरे तरीके से तैयार है और इस भूखे शिकारी को हमला करने का कोई भी मौका नहीं देता। ये शिकारी पक्षी बार बार इस कोबरा का परीक्षण कर रहा है,
ताकि उसे हमला करने का एक मौका मिल जाए। लेकिन इस कोबरा की बहादुरी को देखकर ये शिकारी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाता और इस खतरनाक लड़ाई से चले जाने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन जो शिकारी पक्षी ज्यादा तजुर्बेदार होता है वो बड़ी तेजी से चीजों को अंजाम देता है। वो बड़ी जल्दी अपने प्रतिद्वंदी की जांच कर एक सही मौके की तलाश करता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो सीधे उसके सिर पर हमला कर देता है ताकि सांप द्वारा काटे जाने के खतरे से बच सके। अगर बात करें शिकारी पक्षियों की तो ये भी दूसरे पक्षियों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ एक जीवन साथी को रख लेते हैं और अपने घोंसले में एक ही अंडा देते हैं, जिसके बाद ये दोनों बड़ी सावधानी से अपने अंडे की रक्षा करते हैं। और अगर इस दौरान कोई दूसरा शिकारी पक्षी इनके इलाके में गलती से भी आ जाए तो ये उस पर हमला कर देते हैं। ये शिकारी माँ तब तक अपना घोंसला नहीं छोड़ती जब तक उसका बच्चा खुद की रक्षा करने लायक ना हो जाए, जिसके कारण पूरे परिवार के भोजन की जिम्मेदारी नर के कंधों पर आ जाती है। लेकिन परिवार के लिए भोजन लाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है क्योंकि ये शिकारी पक्षी अपने परिवार का पेट भरने के लिए सांपों को निगल लेता है और वापस लौटने पर उसे उस शिकार को वापस बाहर निकालना पड़ता है। और यही प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है क्योंकि जितना समय उसे सांप को निगलने के लिए लगता है उतना ही समय उसे बाहर निकालने के लिए भी लगता है, जिसके लिए आधे घंटे से भी ज़्यादा समय लगता है। सांप का ये मृत शरीर इस बच्चे के लिए एक अच्छा सबक बन गया है ताकि वो भविष्य में एक अच्छा शिकारी बन सके। इन शिकारी पक्षियों की संतान पैदा करने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है और सौभाग्य से इन बड़े शिकारी पक्षियों का लगभग कोई प्राकृतिक दुश्मन भी नहीं है। लेकिन रात के समय ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिसका फ़ायदा उल्लू जैसे शिकारी पक्षी उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि शिकारी पक्षी छिपकली और दूसरे छोटे पक्षियों का भी शिकार कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये ज़्यादातर अपने 90% भोजन की पूर्ति सांपों का शिकार करके ही करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नर शिकारी एक दिन में 3 से 6 सांपों को उठाकर ले जाता है और इसीलिए इन शिकारियों का परिवार प्रजनन के दौरान लगभग 1000 सांपों को खा जाता है। हालांकि इनमें छिपकलियाँ और छोटे सांप भी शामिल होते हैं जो उनके लिए सिर्फ एक नाश्ते के बराबर हैं, जिसके लिए ये अपने शिकार का समय बर्बाद नहीं करते। लेकिन जैसे ही इन्हें कोई बड़े आकार का शिकार दिखता है तो ये उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन सभी चीज़ों से दूर ये जलवायु इन शिकारियों को पूरे साल भर सांपों का शिकार करने की इजाज़त देती है और इसीलिए ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ ये पक्षी अफ्रीका में अपने शिकार की तलाश में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें भरपूर मात्रा में अपने मन मुताबिक अपना शिकार मिल जाता है। लेकिन सबसे बुरी बात ये भी है कि ये शानदार शिकारी पक्षी कई इलाकों से विलुप्त हो गए हैं क्योंकि मानव अपनी ज़रूरत के लिए इनके प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण ये लुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।